जो हमारा 9th SDG गोल है उसमें हमने ये जाना कि हर देशवासी को जो है वो जरूरत की चीजें जो है उसे उसके आसपास की जगह पर मिल जाए। साथ ही साथ हर देश का क्या काम है कि वो अपने देश में ही उस वैसी फैक्ट्रियों को खोले, वैसी चीजों को बनाए जो कि उसके देशवासियों को लग रही है, देश के लोगों को लग रही है। जैसे मान लो कि आपको फोन चाहिए तो आप वो फोन जो है वो आपके देश में ही बन रहा हो तो आपको सस्ता मिलेगा, बट वही चीज अगर आप विदेशी चीज खरीदोगे तो आपको वो चीज महंगी मिलेगी। जैसे कि एप्पल का आईफोन अभी जो है वो बाहर बनता है, वो पहले मतलब बाहर बनता था तो वो महंगा ज्यादा होता था, अभी वो देश में उसके कुछ हिस्से जो है कुछ पार्ट्स बनने लग गए तो इसलिए थोड़ा कॉस्ट डाउन हो गया। जब पूरी तरीके से भारत में बनेगा तो फिर जो है वो और सस्ता हो जाएगा। इसी तरीके से कार जो है या दुनिया की कोई भी चीज है अगर वो हमारे देश में बनेगी तो हमें सस्ती मिलेगी। ठीक है, तो ये हमारा 9th गोल था। नाउ 10th की तरफ बढ़ते हैं। तो 10वां जो हमारा गोल है वो कहता है रिड्यूस इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज मतलब क्या कि जैसे असमानता जो होती है, जैसे मान लो कि आपने सुना होगा कि कुछ कुछ पहले जो राजा महाराजाओं के जमाने में कैसा होता था कि ये इस जाति का है तो मतलब इसको आप छुओ मत, इसके पास मत जाओ, इससे बात मत करो, ऐसा होता है। अभी भी जैसे हम लोग अगर हमारे आसपास देखते हैं ना तो जो जूते चप्पल सुधारते हैं या फिर जो कचरे का काम करते हैं, गंदा नाली वाली साफ करते हैं, वो थोड़ा सा लोअर कैटेगरी के लोग हो जाते हैं, ऐसा बोलते हैं कि यार ये तो इस जाति का है, इसको यार इसके इससे ज्यादा बात मत करो, इसके घर पे अगर कुछ खाना बनाए तो मत खाओ और ऐसा कुछ भी मत काम करो। तो इस तरीके की बहुत सारी जो जगह है भारत में या फिर दूसरे देशों में ऐसी इनइक्वलिटीज है, असमानता कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ऐसा है, ये काला दिखता है तो इसको ऐसे ऐसे आप चिढ़ाओ उसको और आप उसको ऐसा करो, उसको काम मत दो या उससे बात मत करो, उसके साथ फोटो मत खिंचाओ, ऐसे ऐसी चीज है। उसके बाद कोई अगर मान लो किसी को कोई जो है वो अंधा है या फिर कोई जो है किसी को कुछ बीमारी हो गई है, कुछ मतलब गंदी बीमारी हो गई है तो आप उसको ऐसा बोलो, ऐसा उसके साथ काम मत करो, उसके साथ बातचीत मत करो, उसके घर मत जाओ, ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं, आज भी बोलते हैं। तो हर देश का ये जिम्मेदारी है कि वो अपने देश में सारे लोगों के लिए समान तरीके से उनको अवसर प्रदान करे और उनमें ऐसी समानता मतलब समान सब लोग जैसे उसको ट्रीट हो। समझ में आ रहा है ये चीज आपको? असमानता नहीं हो किसी में भी आपस में। तो आपने सुना होगा ना अपने आसपास जैसे बहुत सारे लोग जो ऐसे काम करते हैं उनको बोला जाता है कि यार ये तो भिखारी है, इसको टच मत करो, ये गंदा हो सकता है, ये इसको आप इससे बात मत करो, इसको दूर भगा दो या इससे दूर रहो, ऐसा सुनने को मिलता है। लेकिन हमें ये ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए। तो हमारा ये दायित्व है, हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम लोग सभी को समान भाव से जो है उनसे बातचीत करें, उनके साथ रहें, चाहे वो कैसे भी हो, वो उनकी दिक्कत है, बट हम अच्छे से रहें सभी के साथ। ठीक है, तो ये हमारा 10th SDG गोल है। नाउ 11th की बात करते हैं। 11th में क्या बोला हुआ है? सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। तो सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज मतलब कि हम अपने आसपास जैसे अभी हम सिटी में रहते हैं उसी तरीके से गांव हैं और भी कस्बे हैं, छोटे छोटे गांव हैं बहुत सारी जगह पर, तो वहां पे जो भी जैसे जो लोग रहते हैं उनके लिए अच्छे मकान हो। ऐसा नहीं हो कि वो कहीं पे बाहर सड़क पे फुटपाथ पे रह रहे हो या फिर वो इधर उधर कहीं पर रह रहे हो। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सबको मकान मिले, सबको सही जगह मिले रहने की, खाने की और सब जगह पे। अभी आप देखते हो ना कि जब आप अपने मुंबई से अपने मामा के या रिश्तेदारों के घर जाते हो तो आपको बीच रास्ते में बहुत सारे लोग फुटपाथ पे सोए हुए मिलते हैं या फिर ये जो खेत वेत है यहीं पे कोई घर बना लेता है और वहीं पे रहने लग जाता है। हाँ देखा सर, है आपने कभी ऐसा? हाँ सर, हाँ सर, नीचे रहते हैं है ना, तो यस सर। हाँ, तो मतलब ये जो गोल है ये क्या बता रहा है हमें 11th नंबर का, कि भाई जो भी जितने भी देश के लोग हैं उन सभी को बराबर अच्छा घर मिले रहने को, पानी वानी सब मिले, सारी व्यवस्था मिले और उनको जो है वो ऐसी कोई भी दिक्कत ना हो। तो इसको अगर मैं हिंदी में आपको बताऊं तो जो हमारा 11वें नंबर का गोल है वो ये है कि सुरक्षित टिकाऊ शहर और मानव बस्तियों का निर्माण करना, मतलब सभी को रहने के लिए प्रॉपर घर मिले, जगह मिले
और उनका खुद की वो जमीन हो, ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो उनकी खुद की जमीन हो ये सुनिश्चित करना है सारे देशों को, कब तक? 2030 तक। तो ये मैंने आपको चैट बॉक्स में भेज दिया है, 11वें नंबर का जो हमारा SDG गोल। तो समझ में आ गया 9, 10, 11 आपको? यस सर, पक्का सभी को समझ में आया? हाँ सर, चलो ओके। सो आगे बढ़ते हैं नाउ, 12वें नंबर की गोल की बात करते हैं, ठीक है। सो 12वें नंबर के SDG गोल में क्या बोला हुआ है? रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। अभी मान लो कि आपका एक बिजनेस है, एक व्यापार है आपका, आपको जो है वो आपके यहाँ पे 10 लोग आते हैं, एक एक टॉफी वो जो ले जाते हैं, आपका टॉफी का एक बिजनेस है, ठीक है। आपके यहाँ पे लोग आते हैं और रोज एक एक टॉफी ले जाते हैं, और ऐसे 10 लोग आते हैं, ठीक है। या फिर मैं कह सकता हूँ कि आपका एक रेस्टोरेंट है और आपने 10 रोटी बनाई, और आपकी वो 10 रोटी जो है वो लोग आकर खाकर चले गए, और उसके बदले में आपको पैसा दे दिया, तो आप रोज कितनी रोटी बनाओगे? 10 ही बनाओगे, हाँ या ना? नो सर, अरे तो फिर कितनी रोटी बनाओगे जो नो बोल रहे हो? ज्यादा बनाएंगे जिससे कि ओके। और अगर मान लो किसी दिन लोग नहीं आए उतने ज्यादा, तो फिर फायदा होगा। अगर आपको पता है कि ठीक है आज आपके यहाँ पे करीबन 12 लोग आएंगे, तो ठीक है आप 12 रोटी बना कर रखो। लेकिन अगर मान लो कि आपको पता है कि आपके यहाँ रोज 10 ही लोग आएंगे, तो फिर आप 10 ही रोटी बना कर रखोगे ना? यस सर, हाँ सही। हम अगर 10 से ज्यादा भी लोग आए एक दिन में तो ज्यादा बनाएंगे, और कम आए तो कम बनाएंगे। हाँ, लेकिन मेरा काम, मेरा मतलब क्वेश्चन पूछने का तरीका, चलो एक और एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि आपके घर में आप जो है वो 2 रोटी खाते हो, आपके पापा मान लो कि अभी 3 रोटी खाते हैं, ठीक है, टोटल कितनी? 5 होगी। आपकी मम्मी 3 रोटी खाते हैं, 8 रोटी होगी, और आपका एक और भाई या बहन है वो 2 रोटी खाता है, तो टोटल मिला के 10 रोटी होगी। तो आपकी मम्मी जब खाना बनाएंगे तो कितनी रोटी बनाएंगे रोज? दस, यस सर, दस ठीक है, वेरी गुड। सो नाउ ज्यादा से ज्यादा ठीक है, एक आध ज्यादा बना लेंगे, कभी किसी को ज्यादा भूख लगी तो 11 रोटी बना लेंगे, तो ठीक है वो उतना कुछ दिक्कत नहीं। लेकिन क्या वो 20 बना के रखेंगे क्या? बनाएंगे नो सर। और सुबह नहीं खाया होगा तो ज्यादा बनाएंगे। ठीक है, अभी मैं जो पूछ रहा हूँ आप उस प्लीज उसका जवाब दीजिए कि 20 बना के रखेंगे क्या वो, नो सर, नो सर, है ना? तो उसी तरीके से ये जो SDG गोल है हमारा, एक दिन ये जो, जितना खाएंगे हाँ हाँ ठीक है। सो ये जो SDG गोल है 12वें नंबर का, इस 12वें नंबर के SDG गोल में क्या बताया गया है कि रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, मतलब कि जो है आपको उतना ही आपका जो चीज है उसको बनाना है जितना आपका कंजम्पशन हो, मतलब जितना आप उसको दे सकते हो। जैसे कि मान लो पेट्रोल है, तो आपको उतना ही पेट्रोल निकालना है साल भर में जितना कि आपको लगता है कि हाँ भाई इतने जो लोग हैं इसकी पूरी खपत कर लेंगे, खपत मतलब इसको जो है वो पूरा यूज कर लेंगे। तो इस तरीके से आपका उत्पादन, मतलब आप जो चीज बनाते हो उसको बोलते हैं उत्पादन, वो उतना ही हो, लिमिट में हो जितना कि लोग उसको यूज कर रहे हो, ठीक है। तो जैसे आपका डीमार्ट हुआ, डीमार्ट में अगर उनको पता है कि महीने भर में मेरे 50 आटे के पैकेट बिक जाएंगे, तो वो ज्यादा से ज्यादा 50 या 51 52 रखेंगे, ठीक है उनके यहाँ पे। लेकिन ऐसा नहीं करता है कोई भी कि 50 पैकेट बिक रहे हो तो 100 मंगा कर रख लो, वरना वो खाना खराब हो जाएगा। तो कभी भी ऐसा काम नहीं करना है। ये बड़े लेवल पे देश को भी बोला हुआ है कि आपका जितना आपको जरूरत है आपके देशवासियों को, उतना ही आप उसको बनाओ अपने देश में, ज्यादा क्वांटिटी में बनाकर उसे बेकार मत करो। आया समझ में ये चीज? यस ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन मतलब कि आपको पता होना चाहिए कि आपका जो खपत है, आपका जो कंजम्पशन है वो कितना है, और उसके हिसाब से ही आप जो चीजें बना रहे हो बस उतनी बनाओ। ऐसा नहीं कि आपने बना बना के रख ली और फिर वो कोई काम की नहीं।
हाँ, अगर आप बाहर किसी दूसरे देश को बेच रहे हो तो बात अलग है, लेकिन जो है आपका जो चीज आप बना रहे हो अपने देश में वो प्रॉपर होनी चाहिए, उतनी होनी चाहिए जितनी आपको खपत है। ठीक है, नाउ अब इसका मैं आपको हिंदी जो है वो भेज देता हूँ चैट बॉक्स में। सो जो आपका 12वें नंबर का है, इसका हिंदी वाला जो पूरा चीज है, इसका मीनिंग वो मैं आपको चैट बॉक्स में भेज देता हूँ। चलो 13 नंबर के उस पे बढ़ते हैं, 13 नंबर के उस पे। तो 13 नंबर का जो एसडीजी गोल है वो है क्लाइमेट एक्शन। सो क्लाइमेट एक्शन मतलब कि जैसे अभी आप देख रहे हो कि गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ती है किसी किसी जगह पे, जहां पे पहले ज्यादा गर्मी नहीं पड़ती थी वहां पे भी गर्मी पड़ने लग गई है बहुत ज्यादा। उसी तरीके से ठंड कहीं पे बहुत ज्यादा पड़ती है, कहीं पे बाढ़ आने लग गई है आजकल, पहले नहीं आती थी कुछ साल पहले, लेकिन अभी बाढ़ आने लग गई है। तो ऐसी बहुत सारी जो है चीजें ये हो रही है, किसकी वजह से? आप पेड़ काटते जा रहे हो तो उसका इफेक्ट है। आप ये देख रहे हो कि जंगलों में आग लग जाती है आजकल, तो बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है, प्रदूषण होता है। हाँ या ना, ये आपने देखा है कभी न्यूज़ में, सुना है? हाँ सर, पेड़ों को काट कर वहां पे हम घर बना देते हैं। उसमें चला जाए सो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं हमारे देश में, जहाँ बहुत सारी जगह है जहाँ पे जैसे जंगल अगर एरिया है तो वहां पे बहुत सारी जगह बार आग लग गई है, जिसकी वजह से बहुत प्रदूषण होता है, और हमारे बहुत सारे जंगल भी जो है वो कट रहे हैं, जिसकी वजह से जो हमें चीजें मिलनी चाहिए या जो वहां पे पशु पक्षी रहते हैं उनको जो है वो दिक्कतें होती है। तो इन सब का प्रभाव जो है या इन सब का इफेक्ट जो है वो हम पर भी पड़ता है। अब अगर मान लो मैं ज्यादा से ज्यादा जंगल काट दूंगा तो मेरे यहाँ पे जो तापमान है, टेम्परेचर है, जो मेरे यहाँ का गर्मी है वो ज्यादा बढ़ेगी मेरे इधर एरिया की, क्योंकि मेरे यहाँ पहले जंगल था वो ठंडक रहती थी थोड़ी सी, लेकिन फिर बाद में जो है वो उसकी वजह से दिक्कत होती। तो ये जो 13 वाला एसडीजी गोल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एसडीजी गोल है, जिसका नाम है क्लाइमेट एक्शन। तो हमें अपने जो आसपास का क्लाइमेट है या हमारे देश का जो मौसम है या जो क्लाइमेट है उसको हमें मेंटेन करके रखना है, अच्छा हो। तो उसका मतलब क्या कि आप ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ, ज्यादा से ज्यादा प्राकृतिक संसाधनों का हनन मत करो। ऐसा नहीं कि आपने कोयला, ये जो आपका जितनी भी चीजें होती है, पेट्रोल डीजल, ये बहुत ज्यादा निकालना शुरू कर दिए तो क्या होगा, एक दिन के बाद ही खत्म हो जाएंगे। अब जब ये निकालोगे तो फिर आप बोलोगे कि चलो अपन बहुत सारी गाड़ियां जो है वो खरीदते हैं। अभी जैसे आपने ये किया, पटाखे फोड़े, ठीक है, तो चलो पटाखे फोड़ने से कैसा हुआ, पेपर में और न्यूज में कैसा आया कि इससे पॉल्यूशन होगा, प्रदूषण होगा, सुना था आपने ये सब चीजें? तो बहुत सारी जगह पे पटाखे फोड़ना बैन हो गया था, सुना था आपने ये चीज? हाँ सर, यस सर, बाकी लोगों ने, है यस ना? सर, तो हाँ, उसी तरीके से आपने ये भी सुना होगा कि जैसे बहुत सारी जगह पर पेड़ को काट के रास्ते बनाए जाते हैं, सड़क बना दी, ब्रिज बना दिया, या बहुत सारे बिल्डिंग्स बना दी। पहले जिस जगह पर, जिस खेत में कुछ पहले होता था, आजकल वहां पे ट्रेन की लाइन चली गई, ऐसा कुछ, या रोड चली गई। देखा आपने ऐसा कभी, सुना आपके गांव में या फिर कहीं पे? यस सर, हाँ है सर, ना? तो इसीलिए ये जो इसकी वजह से क्या दिक्कतें होती है भाई, पेड़ काटोगे तो बहुत दिक्कतें होगी, तो इसी में जो है फिर वो बाढ़ आती है, कहीं पे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, कहीं पे बहुत ज्यादा बारिश आ जाती है, कहीं पे भूकंप आ जाते हैं। तो इस वजह से ये क्लाइमेट एक्शन की वजह से होता है। तो 13 नंबर का एसडीजी गोल जो है, जिसका नाम है क्लाइमेट एक्शन यानी कि जलवायु परिवर्तन, उसका प्रभाव जो है ज्यादा नहीं होना चाहिए, और हर देश को ये कोशिश करना है कि वो अपने देश में ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए और ये सब जो है अच्छे से रखे, सारी चीजों को, प्राकृतिक संसाधन को। ठीक है, तो 13 नंबर का समझ में आ गया सभी को? यस ओके, आप लिखते जा रहे हो मेरे साथ, मतलब मैं जो बता रहा हूं वो? यस सर, ओके, परफेक्ट।
चलिए 14 बढ़ते हैं। 14 बहुत ही अच्छा एसडीजी गोल है, और आप सभी चूंकि मुंबई में रहते हैं, समुद्र है वहां पे, तो आपको ये सब चीजें पता भी होगी, हम इस पे पहले भी बहुत सारी बातें कर चुके हैं। तो 14 नंबर का एसडीजी गोल है लाइफ बिलो वाटर। लाइफ बिलो वाटर मतलब समुद्री जीव और समुद्र से संबंधित सारी चीजें। तो जो आपका 14 नंबर का एसडीजी गोल है वो क्या बोलता है कि जो आपके समुद्र के संसाधन है, जैसे कि समुद्र के अंदर बहुत सारी चीजें मिलती है, जैसे समुद्र से ही हम पेट्रोल तेल निकालते हैं, है ना, उसी तरीके से समुद्र में जो है बहुत सारे जीव रहते हैं, समुद्री जीव। तो उसमें उन लोगों को जो है, जैसे बहुत सारे देश क्या करते हैं, हमारे भारत तो नहीं, लेकिन बहुत सारे देश क्या करते हैं कि वो समुद्री जीवों को मारते हैं और उनको खा जाते हैं। जैसे चाइना अलग अलग तरीके की मछलियां, शार्क, व्हेल, इन सबको जो है वो पकड़ता है और फिर वहां पे उनको काट के और खा जाता है, या जो भी उसका उसका मेडिसिन बनाता है, या जो भी काम करता है। तो ऐसे हजारों लाखों मछलियां रोज पकड़ी जाती है। ये आपको शायद पता होगा या नहीं पता होगा, मुझे नहीं पता ये चीज, लेकिन इस तरीके से बहुत सारे समुद्री जीवों को दिक्कत पहुंच रही है। उसी तरीके से आपने ये देखा है कि बड़े बड़े शिप जो है वो समुद्र में जाते हैं, एक देश से दूसरे देश या एक जगह से दूसरी जगह, पता है आपको ये चीज? तो है ना, तो उसी तरीके से जैसे आपके जो ये समुद्र में बड़े बड़े जो जहाज होते हैं वो तेल, पेट्रोल, ये एक देश से दूसरे देश पहुंचाते हैं। अब कभी कभार क्या होता है, मैं ऐसा बहुत ज्यादा बार तो नहीं, लेकिन कभी कभार कैसा होता है कि जो तेल के जहाज है उनको उनमें दिक्कत आ जाती है, कोई तूफान आ जाता है, तो जिसकी वजह से वो जहाज जो है वो बीच में ही खराब हो जाता है और फिर वो समुद्र में डूब जाता है। अब उसमें हजारों लाखों लीटर तेल होता है, लाखों लीटर में बोल रहा हूँ, लाखों लीटर तेल होता है और वो समुद्र में ऊपर तैरता रहता है। आपने देखा है कभी कि पानी में तेल डालोगे तो वो तेल ऊपर तैरता रहता है? हाँ सर, देखा अच्छा, तो क्या लगता है उसे कुछ दिक्कत होती है समुद्री जीवों को अगर तेल ऊपर पानी में तैरेगा तो? है। हाँ सर, होती है ना दिक्कत उन्हें, मतलब सर वो जब ऊपर छलांग लगाने आते हैं तो सर उनके ऊपर वो तेल की ऐसी परत चढ़ जाती है, और फिर जब वो वापस अंदर जाते हैं तो सर उन्हें सांस लेने में, मतलब वो अपनी गिल से जो हवा लेते हैं ना पानी के अंदर की, तो वो ऑब्जर्व नहीं कर पाते। वेरी गुड साइनर, वेरी गुड। ये बहुत ही अच्छा आपने पूरा एक्सप्लेनेशन दिया और यही मैं बताने वाला था। तो इस तरीके से बहुत सारे समुद्री जीव को फिर सांस लेने में और उनको वो जो ऊपर सूरज की रोशनी आती है वो मिल नहीं पाती है, और ऐसी बहुत सारी दिक्कतें होती है। प्लस कचरे का तो आपको पता ही है, हम सब लोग जो है वो जितना भी हमारा कचरा होता है वो क्या करते हैं, समुद्र में बहा देते हैं और फिर वो जीव उसको खाकर मर जाते हैं। तो ऐसी चीजें जो है वो उनको रोकना है और उनको नहीं करना है, तो इसीलिए ये एसडीजी गोल बनाया गया है 14 नंबर का, कि 2030 तक आप इस समस्या को मिटाओगे और सारे देश इस पे काम करेंगे कि जहां पे भी समुद्र है, अगर आप समुद्र में जा रहे हो या आपके आसपास समुद्र है, तो उसका आप ध्यान रखोगे कि वहां पे जो भी समुद्री जीव है वो सब सुरक्षित रहे, वहां पे आप ज्यादा कुछ समुद्र को या उसकी अंदर की रखी चीजों को दिक्कत ना करो। आया समझ में ये चीज? यस सर। है ना, तो 14 वाला जो है ये बहुत ही सिंपल था लेकिन बहुत ही काम का एसडीजी गोल है। तो बहुत सारी कंपटीशन में इस पे बात की जाती है और इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनते हैं, तो इसका ये एक अच्छा एसडीजी गोल। फिर 15 नंबर का, 15 नंबर का अब क्या है, लाइफ ऑन लैंड। तो जैसे लाइफ बिलो वाटर था मतलब समुद्र को लेकर, उसी तरीके से 15 नंबर का एसडीजी गोल में क्या बोला गया है, लाइफ ऑन लैंड। तो धरती पर क्या क्या चीज है, जंगल है, जानवर है बहुत सारे प्रजाति के, फिर उसके बाद और भी बहुत सारी चीजें हैं हमारे यहाँ पे धरती पर, तो उस तरीके से उन सब की रक्षा, जैसे जंगलों को बचाना है, फिर उसके बाद वहां पे जैसे जो लोग अभी क्या करते हैं, ये टाइगर और लायन या ऐसे बहुत सारे जो जानवर है उनको मारते हैं जंगल में जाकर, जैसे हाथी, हाथी के दांत निकाल कर उसको बेच देते हैं, तो ये सब चीजें जो है वो काम करते हैं बहुत सारे लोग जंगलों में जाकर, या जंगल में जैसे मान लो चंदन के या फिर बहुत ही ऐसे महंगे वाले जो लकड़ी मिलती है, या पेड़ ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज्यादा महंगे बिकते हैं बाहर के मार्केट में, उनको तोड़
काट काट कर ले जाते हैं। तो ये भी एक SDG गोल है कि हर देश को क्या करना है, जिस जहां पे भी जो है जंगल है या ऐसे जितने भी कोई ऐसा मान लो जैसे ऑस्ट्रेलिया में आपने सुना है कंगारू रहते हैं, है ना, हमारे देश में सबसे ज्यादा क्या टाइगर लायन एलिफेंट ये सब मिलते हैं। आपने ये सुना है कभी कि हमारे देश में गेंडा भी मिलता है? कहाँ पे मिलता है किसी को पता है? सिर्फ जंगल में हमारे मतलब वो कौन से एरिया में, कोई स्टेट का है जहां पे आपको पता है कि जहां पे गेंडा जो है वो पाया जाता है? पूरे देश भर में तो नहीं मिलता है ऑब्वियस है, बट ऐसी जगह जहां पे, हाँ जू में होता है ना। जूम के अलावा, जूम के अलावा बात, तो जूम में तो उसको पकड़ के लाया जाता है फिर वो किया जाता है, लेकिन इसके अलावा नो सर, नहीं पता। सिर्फ चलो इंडिया तो में क्या सर? हाँ आसाम मेघालय मिजोरम उस साइड में जो एरियाज है ना वहां पे जो है आपके ये गेंडा और इस तरीके के कुछ जीव पाए जाते हैं। तो आपने देखा होगा उसके ऊपर जो है एक सींग रहता है आगे, देखा यस है कभी उसको, है सर, ना, तो वो सींग भी काट कर और बहुत महंगा बिकता है। तो उसके लिए क्या होता है, जब वो सींग निकालने जाते हैं तो अब कोई भी जीव आसानी से उसका सींग तो नहीं निकालने देगा, तो फिर उसको गोली मार दी जाती है और उसको मार दिया जाता है और फिर उसका सींग काट के निकाल दिया जाता है। तो इस तरीके से बहुत सारे जगह पर ये काम होता है। तो ऐसे में इसमें क्या होता है कि वो जो जीव है अब उसको मारते जाओगे तो एक ना एक दिन वो खत्म हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे। तो ऐसी बहुत सारे जीव है जो एक्सटिंक्ट हो गए हैं, विलुप्त हो गए हैं या फिर होने की कगार पर। तो इसीलिए ये SDG गोल बताया गया है 15 नंबर का, जिसमें बोला हुआ है कि लाइफ ऑन लैंड, मतलब लैंड पर जितने भी लोग जीव जीव हैं, जीव जंतु हैं, उन सब की रक्षा करना आपका दायित्व है। ठीक है, अभी 16 और 17 समझ लेते हैं फटाफट। 16 जो है उसमें बताया हुआ है पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। पीस मतलब शांति, जस्टिस मतलब एक इस तरीके का जैसे कि सबके साथ ऐसे समान तरीके से आपका काम। जस्टिस मतलब होता है कि भाई आप जो है जैसे मान लो किसी ने लड़ाई करी, किसी को मार दिया, तो आप उसको देखो पहले कि गलती किसकी है और फिर उसके हिसाब से आप जो है उस पे काम करो या उसको सजा दो। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपका काम होना चाहिए। तो आपके देश में ऐसा नहीं हो कि इधर दंगे हो रहे हो, उधर लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, इधर आंदोलन हो रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। सभी लोग आपस में शांति से रहे, सारे धर्म के लोग, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सब लोग आपस में शांति से रहे और आपस में सभी लोग अच्छे से मिलजुल कर काम करें। तो हर देश की ये को काम करना है कि उसके देश के अंदर कोई भी ऐसा झगड़ा या कोई भी ऐसी लड़ाई आंदोलन ऐसा नहीं हो या ना के बराबर हो। ठीक है, 17 है लास्ट, पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। तो पार्टनरशिप क्या होता है, पार्टनरशिप का मतलब होता है कि जब आप जो है किसी के साथ मिलकर भागीदार बनकर काम करते हो, पार्टनरशिप मतलब होता है भागीदारी। तो जब आप किसी के साथ मिलकर काम करते हो तो वो काम ज्यादा अच्छे से और जल्दी होता है, ये टीम वर्क या पार्टनरशिप इस तरीके की चीजें होती है। तो हर देश दूसरे देश के साथ मिलकर काम करता है, जैसे कि अभी कोविड में बहुत सारे ऐसे गरीब देश थे जिन जो लोग अपने देश के लोगों को वैक्सीन नहीं लगवा पाए। जैसे आप हमें तो हमारे देश के लोगों को, आपके मम्मी पापा को भी वैक्सीन लगी होगी, फ्री में लगी होगी, है ना, सभी को लगी है वैक्सीन, मम्मी यस पापा हाँ को, सर, मम्मी पापा ने दोनों ले लिए। हाँ सभी के यहाँ पे ये काम किया होगा, तो सभी को फ्री में लगी, किसी ने पैसे दिए उस चीज को लेकर नो सर, नहीं, किसी नो ने भी नहीं सर, दिए होंगे, है ना। अब पेड मिल रही थी लेकिन फ्री में भी मिल रही थी, लेकिन बहुत सारे ऐसे देश है जहां पे उनके नागरिकों को, उनके देश के लोगों को फ्री में वैक्सीन नहीं मिली, वैक्सीन ही नहीं मिली, चाहे वो उसके लिए पैसे भी दे रहे हो पर वैक्सीन नहीं थी। तो फिर भारत ने और ऐसे बड़े बड़े जो अमेरिका ये जो देश है इन्होंने क्या किया, उन देशों को अपनी तरफ से वैक्सीन दी फ्री में और बोला कि भाई आप अपने लोगों को लगाओ। तो जो हमारा 18 नंबर का SDG गोल है वो क्या कहता है कि सभी लोग आपस में जो है वो अच्छे से पार्टनर्स बनकर रहे, कोई भी देश किसी से लड़ाई ना करे और आपस में सभी लोग मिलकर काम करें, एक दूसरे की सहायता करें ताकि हर कोई देश अच्छे से उन्नति करे और आगे बढ़ पाए। तो ये भी आपको सुनिश्चित करना है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरीके से 17 SDG गोल्स, ये सारे चीजें हैं। आया समझ में सभी को 17 SDG गोल्स? यस सर।
बाकी लोग हाँ या ना, समझ में आया कि नहीं आया? परफेक्ट। तो आप लोग इसको एक बार और देखिएगा, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, ये 17 SDG गोल्स की एक पूरा पोस्टर है वो मैं शेयर कर दूंगा, और आप जो है इसको देखिएगा, और कहीं पर भी कोई दिक्कत आए तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं बाद में कभी भी, ठीक है? तो ये है हमारे 17 SDG गोल्स, मतलब 17 सतत विकास लक्ष्य, जिनको हमें कब तक पूरा करना है हर देश को, जल्दी बताओ। 2030 तक, 2030 तक, 2030 तक, 2030 तक। वेरी गुड।